हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज सीबीएसई के बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्णय आए हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट ऑल्सो, एज अ सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट ऑल्सो। देखो, आपको पता है पिछले दो तीन महीने में, पिछले साल दो साल में आपको पता है जो सीबीएसई निर्णय लेता है वो महाराष्ट्र बोर्ड निर्णय ले लेता है। सिलेबस रिडक्शन की बात हो, क्लास टेंथ के एग्जाम कैंसिलेशन की बात हो, क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिलेशन की बात हो, या फिर नाइन्थ स्टैंडर्ड के मार्क्स को कंसिडर करने की बात हो टेंथ स्टैंडर्ड के इवेल्युएशन के लिए, सारी ही चीज़ें महाराष्ट्र बोर्ड ने सीबीएसई से कॉपी पेस्ट कर ली। तो हो सकता है ये जो बड़े अनाउंसमेंट्स है ये बोल दे कि महाराष्ट्र बोर्ड भी इसको लागू कर दे। देखो, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। मैंने उसके अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का फर्स्ट स्टेप आज सीबीएसई उठा रहा है। तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि भाई हम जो है ना, हम एग्जाम पॉलिसी बदल रहे हैं। अभी के लिए सिलेबस तो ठीक है, खैर वो सेम ही रखा है, लेकिन एग्जाम पॉलिसी बदल दी है सबसे पहले। तो आई वांट टू शो यू क्या क्या बदलाव किए। तो देखो, सीबीएसई ने क्या बोला है, जो ये वाला अकेडमिक ईयर अभी शुरू हो रहा है 2021-22, ये जो अकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन नाम का इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक मूव लाया था, और इसके तहत कुछ चेंजेस करने वाले। तो चेंजेस क्या क्या होंगे, देखो बेसिकली इन द लेटर उन्होंने क्या बोला है कि क्या दिया है, there will be 20% competency based questions, 20% objective questions and remaining 60% short and long answer type questions in the exams. तो देखो, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए इन्होंने क्या बोला है कि जब वो एग्जाम होगी उनकी, तो उनको 20% क्वेश्चन कौन से आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब उसमें एमसीक्यू वगैरह आ जाएगा, 20% आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब फिलअप्स वगैरह, मैच द फॉलोइंग वगैरह, और 60% होंगे जो आंसर इन वन सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद जो आंसर इन ब्रीफ और जो आंसर इन डिटेल, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। वैसे बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, पहले भी ऑलमोस्ट ऐसी ही पॉलिसी थी, लेकिन जो मेन बदलाव है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अभी जो मेन बदलाव है वो अभी ध्यान से सुनना, वो यहां पे है, ठीक है। हाँ, तो मेन बदलाव आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द अकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे ना एग्जाम पॉलिसी जब आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जब जो लोग बोल रहे थे ना बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई, अब बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, अरे नहीं हुई है भाई, मैं तुम्हें पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, और ये सीबीएसई ने अभी एकदम क्लियर कर दिया है कि बोर्ड एग्जाम कहीं खत्म नहीं हो रही। उन्होंने क्या बोला है कि वो जो एक बोर्ड एग्जाम होती है ना, मतलब टेंथ खत्म हुई एक बोर्ड एग्जाम पूरा सिलेबस, उसकी जगह उन्होंने दो बोर्ड एग्जाम सोचा है। उन्होंने क्या बोला है कि भाई टेंथ स्टैंडर्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैथ्स है, मैथ्स के सपोज अगर 12 चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल किसी को, तो उस 12 चैप्टर को 6 और 6 में डिवाइड कर दो। पहले 6 चैप्टर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे और बाकी के 6 चैप्टर सेकंड बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ऐसे दो बोर्ड एग्जाम होने वाली है, बोर्ड एग्जाम कहीं कैंसिल नहीं हो रही है, बोर्ड एग्जाम होने वाली है, बस उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। अंडरस्टूड। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा होगा टॉपर्स को, क्योंकि टॉपर्स पूरे साल पढ़ते हैं, तो इसीलिए टॉपर्स को इससे फायदा होने वाला है कि भाई पूरे साल पढ़ने का कुछ फायदा मिलेगा। और नुकसान किसको होने वाला है, जो लास्ट 2 महीने पढ़ते हैं, अब उनको पूरा साल भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब साल भर एग्जाम है ना, 6 महीने के बाद पहली एग्जाम और फिर 6 महीने के बाद दूसरी एग्जाम, तो दो एग्जाम्स, दो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले यहाँ पे। ये चीज आपको समझ दी है, महाराष्ट्र बोर्ड ये सेम पैटर्न फॉलो कर सकता है। अंडरस्टूड। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बोला है कि भाई हम क्या करने वाले पता है, हम जो है इंटरनल असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ये सबको थोड़ा क्रेडिबल करने के लिए, थोड़ा वैलिड करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे। वो ऐसे भी नए नियम बना देंगे कि भाई जो प्रोजेक्ट है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण ठहराएंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ कोरोना। आपको पता है अगले 6 से 8 महीने के लिए कोरोना कहीं नहीं जा रहा, कम से कम 2021-22 ये पूरा साल भर कोरोना रहने वाला है, तो इसीलिए आप कतई ये होप में मत रहिए कि कोरोना खत्म हो जाएगा, शायद 2022 में नहीं होगा। ये जो यहाँ पे मार्च अप्रैल में जो होने वाली है ना अगली बोर्ड एग्जाम 2021-22 वाली, उनके लिए भी कोरोना बैच ही रहने वाली, वो भी कोरोना बैच ही रहने वाले, तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होता है ना उसको थोड़ा सा बेटर करेंगे, उसमें थोड़ा सुधार लाएंगे, महाराष्ट्र बोर्ड भी ऐसा कर सकता है। उसी के साथ साथ एक और आपको बता दूं कि जो उन्होंने जो हमारे क्या कहते हैं
जो उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था उसको अभी रद्द कर दिया। मतलब ये जो 2021-22 है इसलिए इसके लिए रिड्यूस सिलेबस काम नहीं करेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है ये गलत मूव है। गलत मूव क्यों है, क्योंकि भाई अरे ये साल भी तो पूरा कोरोना ही है, ये लोग भी नहीं जाने वाले स्कूल। देखिए आप सोचिए, अभी स्कूल खुलने वाले हैं लेकिन ये स्कूल जल्दी बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन क्या है कि अगस्त में थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। जैसे ही थर्ड वेव शुरू हुई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर में भी हो सकता है स्कूल बंद रहे। तो ये देखिए 4 महीना आपके गए ऑलरेडी। अभी अगर आप स्कूल खोल भी देंगे तो जुलाई महीना एक ही महीना स्कूल खुला रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्कूल खुलने वाले नहीं है, और मुझे लगता है सिलेबस वो वापस, वो रिड्यूस जो सिलेबस है उसको वापस वो 2021-22 के लिए बाद में लागू कर देंगे। हालांकि अभी तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सिलेबस था, रिड्यूस सिलेबस था पिछले साल के लिए, वो इस साल के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए। मतलब हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो रिड्यूस सिलेबस लागू नहीं रहेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इससे मेन की पॉइंट्स आपको क्या क्या मिले, देखो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था पिछले साल वो इस साल शायद रिड्यूस ना हो, तो उसको हटा दिया गया है। दूसरी चीज है, बोर्ड एग्जाम एक की जगह दो होने वाली है, एक होगी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, एक होगी सेकेंड सेमेस्टर के बाद, तो दो बोर्ड एग्जाम होगी। तीसरी बात आपको क्या मिलेगी, प्रोजेक्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आपको ज्यादा प्रोजेक्ट करने को बोल दिए जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, जिससे कि उनको भी ये सारी चीजों के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।